आज का क्वेश्चन हमारा पावर सीरीज से है, जून 2012 में पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीक्यू है, और जो हमें पावर सीरीज दी गई है वो इस फॉर्म में दी गई है, ठीक है, और उसके कन्वर्जेंस पूछी गई है, तो मीन्स आर आपसे पूछ रहा है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता है समेशन ए एन पावर सीरीज इस तरह की दी जाती है, तो आपको पता होता है कि यदि आर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और बाउंड्री पॉइंट को हम अलग से वेरीफाई करते हैं। जब बाउंड्री पूछता है तो इन पॉइंट को हम अलग से वेरीफाई करते हैं, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए एन जेड माइनस के ए की पावर एन दिया हुआ है या टू एन दिया हुआ है, तो इसका जो आर ओ सी आने वाला है तो हम ऐसे लिखने वाले हैं, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से वन और टू नहीं होगा, ठीक है, थर्ड और फोर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इसके मीन्स मैंने दो तीन तरीके बताए थे आपको लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि आप इसको सिंपल लेके भी चल सकते हो, 2n को आप t बना सकते हो, मीन्स आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम an एन प्लस वन निकाल देते हैं, तो 3 की पावर माइनस के n माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। an प्लस वन में n की ऐसे पुट करेंगे ना भाई, 3 की पावर माइनस के n प्लस वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस के n, ऐसे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, मैंने भी गलती की स्टार्टिंग में, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है बस। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास 1/r होता है, यहाँ पे 1/r लिख दो आप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस के ये हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 3 की पावर ये हो जाएगा, यहाँ से आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ से हमारे पास 1/3 आ गया, तो 1/r इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई, r की वैल्यू 3 आ गई अभी तक। और आपको मैंने पहले बताया था कि आपको आर ओ सी कैसे लिखनी है, अभी आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ये जेड माइनस के वन की पावर 2n दिया हुआ है, बट हमने इसके लिए आर ओ से निकाला है, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे पावर 2n होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यदि यहाँ पे 2n दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये मैंने आपको साथ बताया अभी तक पहले। तो अभी हमें आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जेड माइनस के 1 जो हमें दिया हुआ है, जेड माइनस के 1 की पावर 2, पावर 2 लेस देन 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे, जेड माइनस वन की पावर 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब यहाँ से आप देखो, ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, जेड माइनस के 1 लेस देन रूट 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से ये बात तो आपको क्लियर होगी कि हमारे पास ऑप्शन सी होने के चांस हैं अभी तक, बट बाउंड्री पे हमें चेक करना पड़ेगा, एट जेड माइनस के 1 इक्वल टू 3 प्लस प्लस माइनस के रूट 3, दोनों पे हमें बाउंड्री चेक करना है, भाई प्लस वाले भी चेक करना है, माइनस वाले भी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, बाउंड्री पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ से यदि हम वैल्यू पावर 2n दिया हुआ है, इवन पावर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस पुट करें माइनस पुट करें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो जब हम रूट 3 पुट करेंगे तो पावर 2n है, रूट 3 की पावर क्या हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन 1 बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि समेशन 3 की पावर माइनस के 1 और जेड माइनस के 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, या प्लस माइनस जो भी हम यहाँ पे पुट करने वाले 2n हो जाएगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 की पावर माइनस के n और 3 की पावर 1/2 इंटू 2n, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है सेम टाइप। तो आप बताओ मुझे इसकी समेशन समेशन वन जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आप मुझे बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको पता है कि समेशन यू एन कन्वर्जेंट होगा, मे और मे नॉट भी, बट नेसेसरी कंडीशन है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास यू एन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन हमारे पास, मीन्स नेसेसरी है कि हमारे पास कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब समेशन सॉरी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास कैसा है, डाइवर्जेंट है, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट पे डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जेड माइनस के 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, जेड माइनस के 1 लेस देन रूट 3, इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, सी इसका आंसर यहाँ पे आ गया कन्फर्मली। तो इस सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो आप मीन्स कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आई थिंक आप इसको
मीन्स पावर वन बाई एन से भी कर सकते हो सीधे सीधे ए एन की पावर वन बाई एन। यदि हम यहाँ पे आपको करके दिखाऊं कि ए एन की पावर मोड वन बाई एन, तो थ्री की पावर माइनस के वन एन वन बाई एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो वन बाई थ्री आगे नहीं आ गया। तो आप वहां से भी आप कर सकते हो सिंपल सा, ठीक है। मेथड आप दोनों में से कोई से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही अप्लाई करना है या फिर ये अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।